हेलो करो, कैची खाई मिली, आप भी हेलो करो। हेलो भैया, भाभी कैसी लग रही है देखो तो जरा। हाय माय लवलीज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा 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 अच्छे होंगे, सारंगे। सो आज की ये वीडियो होने वाली है माय फर्स्ट वेडिंग व्लॉग। यस, तो आज है 15 तारीख, 18 तारीख की ना लगुन है 18th की। सो आज से थोड़ी बहुत मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स दिखाती जाऊँगी एंड देन फिर मैं वो लगुन की फुल व्लॉग बना के डालूंगी। सो या, सो बेसिकली आज मैं अपना फेशियल करने वाली थी क्योंकि 3 दिन पहले मैं कर लूँ फेशियल सो दैट फेस पे अच्छा खासा ग्लो आ जाए एंड स्किन भी सेम। बताए जब कुछ होता है ना, जब कोई फंक्शन आता है मेरे घर में तो स्किन की ऐसे बैंड बच जाती है ना, कुछ पूछो मत। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने कौन सा लिप शेड वेयर किया है। सो दिस इज़ द लिप एंड चीक टिंट बाय फेस शॉप। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है एंड इसमें मेरा शेड है 02 पिंक मैट एंड यू कैन सी ऐसा लग रहा है कि मेरे लिप्स नेचुरली कितने जूसी एंड प्लम्पी लग रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि मैंने कोई टिंट अप्लाई करी है। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर नेचुरल लुक। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा लगाओगे ना तो एज अ लिपस्टिक की तरह भी काम कर जाएगा। एंड दूसरी बात, मैंने ये लगाई थी चीक टिंट, तो मैंने दो तरह के लिप एंड चीक टिंट यूज़ करी है। लिप्स पर लगाया है फेस शॉप का और चीक पर लगाया है ये वाला अर्थ रिदम का लिप एंड चीक टिंट। इसमें मेरा शेड है मरमेड। शादी से पहले फेशियल तो मैं करूँगी बट मैं ना रिसेंटली ये भी खा रही थी। ये है द डर्मा को की 500 mg स्किन इल्यूमिनेटिंग टैबलेट्स, वाइटमिन सी, हाइलुरोनिक एसिड। सो दिस इज़ वेरी गुड। मतलब हम फेशियल तो करते ही हैं जब हम वेडिंग अटेंड करते हैं, कोई भी हमें स्किन पर ग्लो चाहिए होता है तो फेशियल तो करते ही हैं, बट ये टैबलेट ना बहुत अमेजिंग है। इसे खाने के नेक्स्ट डे ना आपके फेस पे इधर इधर शाइन आ जाती है, एक इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट सा दिखने लगता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये मैं हफ्ते में 3 बार खाती हूँ, 2 से 3 बार। सो अभी मैं ये ओपन करके दिखाती हूँ आपको। एक मैं अपने लिए बना रही हूँ, एक मैं अपनी भाभी के लिए बना रही हूँ। सी, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है मैं कोई सोडा बना रही हूँ। यू कैन सी कितने ज़्यादा इसमें झाग बन रहे हैं। इसका फ्लेवर ना पाइन एप्पल जैसा है। ये मेरे को ना पीआर में मिली थी, बहुत टेस्टी है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप दवाई पी रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप कोई अच्छा सा मॉकटेल पी रहे हो। गाइज, ये है मेरा भाभी का बेटा। आई थिंक आपने मेरे उस व्लॉग में देखा होगा, इसका नाम है अंश। प्यार से लड्डू बोलते हैं, लड्डू लड्डू लड्डू, हाय मैं हूँ लड्डू। अब ये रो रहा है। भाभी ना काम कर रही थी तो मैं इसे संभाल रही हूँ। लड्डू लड्डू लड्डू। यहाँ पे भाभी मेरा फेशियल कर रही हैं एंड लड्डू मेरे हाथों में है। एक्चुअली उसे गोदी गोदी नहीं लोगे तो वो रोने लगेगा और पूरा घर सर पे उठा लेगा। यहाँ पे मेरी भाभी की दूसरी बेटी, मतलब बड़ी बेटी भी आ गई थी, आशी नाम है इसका। आप इससे मिले होंगे पहले ही। ये आशी है और ये अंश है, दोनों बच्चे भाभी के ही हैं। एक्चुअली क्या था ना, मुझे पूरी नॉलेज थी अबाउट फेशियल एंड ऑल, तो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया था। मैं ऐसा कोई पार्लर या फिर सैलून नहीं गई थी। मैंने भाभी का कर दिया था, भाभी ने मेरा कर लिया था, ऐसे दोनों ने हाथ बटा लिया था। मैंने मम्मी का भी कर दिया था, तो या वी सेव लॉट ऑफ टाइम एज वेल एज मनी। फेशियल के 2 दिन बाद बहुत अच्छा ग्लो आया था, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। ऑल राइट गाइज, मैंने अभी अपना फेशियल किया है एंड ये लास्ट स्टेप है दैट इज़ फेस पैक एंड इसके बाद मैं इसे हटा लूँगी और सो जाऊँगी। मुझे बहुत नींद आ रही है, इस टाइम रात के 10 बज रहे हैं। सो टायर्ड राइट नाउ। पता है मेरे नेल्स भी काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं टूट रहे थे, बहुत ही वीक हो गए हैं, तो मैंने नेल्स फेक नेल्स लगाना भी छोड़ दिया है जस्ट बिकॉज नेल्स वीक हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर हमारा बाबू रो रहा है। क्या हो गया बाबू, क्यों रो रहे हो? ये मेरी मम्मी है। क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? एक और भूत। गुड मॉर्निंग गाइस, आज लगन है एंड घर पे हल्दी की डेकोरेशन हो रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड
मेरा हेयर कलर कैसा लगाना है लग रहा है प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। मतलब दो तीन दिन के बाद ये थोड़ा सा डार्क टोन में आ गया एंड मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। इससे ना पूरा लुक ही चेंज हो गया। राइट नाउ मैं अभी अपनी फर्स्ट फ्लोर पर हूँ जहाँ पे सब रहते हैं एंड मैं नीचे जाके आपको दिखाऊंगी कैसे डेकोरेशन हो रही है। जितने भी मेरे भैया लोग थे सब डेकोरेशन में लगे हुए थे। मेरा जो बाहर वाला हॉल था उसमें डेकोरेशन होनी थी जहाँ पे हल्दी और मेहंदी होना था। हल्दी और मेहंदी घर पर ही रखा था और सब डेकोरेशन में लगे हुए थे। लड़के नहीं खेलते? लड़के गुब्बारे से नहीं खेलते? नहीं, खेलती है। अच्छा आप भी हेलो करो। हेलो पतली निकाल लो पतली भैया भाभी कैसी लग रही है देखो तो जरा कैसी लग रही है बोला डर लग रहा है उन्हें भी बोल रहा है। गाइस राइट नाउ मैंने अभी फेस पैक लगाया है। अभी मैं पूरा मेकअप करने वाली हूँ लगन मेकअप लोग तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएगा तो प्लीज़ आप देख लेना। सो मैं आपसे मिलूँगी अपना पूरा मेकअप कंप्लीट करने के बाद। अभी ना इतनी जल्दी हो रखी है तब भी घर में शादी आती है ना तो ऐसे लगता है जल्दी करूँ जल्दी करूँ जल्दी करूँ। मुझे तो ये भी डर लग रहा था कि मेरे को मेकअप करने का टाइम मिलेगा कि नहीं, कहीं मुझे ऐसे चेहरा लेके ना जाना पड़े क्योंकि जब भी शादी आने वाली होती है चेहरे पे पिंपल दाने निकलना चालू हो जाते हैं एंड मेरे को इस साइड और इस साइड पे ज़्यादा निकल रहे हैं। बाकी पूरा क्लीन है। दिस इज़ माय लहंगा। मैं आपको पूरा लहंगा दिखाऊंगी सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। पूरा मेकअप लुक मेरा कंप्लीट हो चुका था और बस जाने की तैयारी थी। यहाँ पे मेरी मम्मी है और ये मेरे बड़े पापा हैं, मतलब चाचा है मेरे बट चाचा से ज़्यादा पापा जैसे हैं मेरे। यहाँ पे ये मेरी दूसरी वाली भाभी हैं एंड ये कुछ रस्म कर रही हैं भैया के साथ जब लगन पे जाते हैं। आई डोंट नो कुछ होता होगा। और उसके बाद मैं निकल गई थी वेन्यू पर और मैं वेन्यू पे पहुंच गई थी। पास में ही था, घर के बहुत पास था तो आप आराम से आ जा सकते हो। लाइक घर पे अगर कुछ रह गया हो तो आप आराम से जा सकते हो। मुश्किल से 2-3 मिनट का यू नो वे होगा। एंड देन ये हमारा दूल्हे राजा आ रहे हैं, हम इन्हें लेके आ रहे हैं। दूल्हे राजा के संग में उनके भाई, उनकी बहन, उनकी बुआ, मम्मी, भाभी सब उन्हें लेके आ रहे हैं। एक्चुअली हमारी जो शादी होती है ना वो एकदम रॉयल शादी होती है, सब लोग आते हैं, काफ़ी रॉयल वेडिंग होती है। हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं हमने सबको इन्वाइट किया था एंड काफ़ी धूमधाम से सब सारे जितने भी फंक्शन हुए थे सब कुछ बहुत धूमधाम से हुआ था एंड बहुत अच्छे से हुआ था। वी एंजॉयड अ लॉट। Now comes the most important part, that is dance. Dance हमारी शादी में बहुत ज़्यादा important होता है, खासकर लड़के वालों की तरफ से। हमने पूरे जितने भी स्टेज थी ना सब पे धूम मचा दी थी। हम मतलब 2-3 घंटे तक कंटिन्यूसली डांस करते रहते हैं। आप देख सकते हैं लास्ट में हमारी हालत क्या हो जाएगी। मेरा तो मांगती का अदर हो रहा था, मेरी चुन्नी गिर रही थी बट मेरा ध्यान सिर्फ डांस पे था। मेरा ही नहीं सभी का, सब ने बहुत ज़ोरों शोरों से डांस किया। Thank you.
शॉट्स भी दे दो इसको, इसको गाली चाहिए लंबी, इसके म्यूजिक चाहिए लॉन्ग, ये जाती महंगे घर में जहाँ उतर लुधिया जैसे आई लड़की उन्हें मुश्किल पड़ती है कहती वो है स्कूल बट आई डोंट खूब सारी पेट पूजा करी उसके बाद क्योंकि हम काफी थक चुके थे एंड या यहीं पे मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स।